हेलो माइक चेक हेलो माइक चेक बच्चों गुड आफ्टरनून क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या हेलो गुड आफ्टरनून हाय चलो बताओ आपको मेरी आवाज आ रही है क्या दोस्तों अरे आज कहा गए सब लोग कहां हो कनेक्ट हो जाओ फटाफट सर आ गए ऑडियो वीडियो क्लियर आई वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन पढ़ाई शुरू करते हैं बाकी सारे अपने जो दोस्त हैं वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत कर देंगे फिर कोई नहीं बेटा दो लेक्चर मिस हो गए तो उसको आप बाद में देख लेना वैसे भी सारे लेक्चर्स तो अपलोडेड है यूट्यूब पे तो कोई टेंशन नहीं है चलो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क करो लाइक का बटन दबा के तो पता चले कितने कि बच्चे एक्चुअल में अभी देख रहे हैं तो उनके लिए फिर हम लोग रिविजन अपना फटाफट -फड़ शुरू करते हैं फिर कल क्लास नहीं था बेटा हेलो चल सो so, फटाफट 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 शुरू करते हैं धीरे धीरे बच्चों को मैसेज गया है और बच्चे अभी कनेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग फिर अभी की पढ़ाई शुरू कर देते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट नेशनल इनकम के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी और नेशनल इनकम इस टॉपिक को अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ओके ओके चलो सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले सो अब मेरे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल इनकम तो सब लोग एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनते रहिएगा समझते रहिएगा कुछ डाउट अगर आते हैं आपको तो बिना किसी हिचकिचाहट आप इसको जरूर पूछना ओके okay? ओके okay, चलो सो लेटस स्टार्ट नाउ सो so, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंप्यूट व्हाट जीडीपी और तीन अलग अलग मेथड्स है जीडीपी को कंप्यूट करने के लिए वो कौन से तीन मेथड्स है एक है प्रोडक्ट मेथड सेकेंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज व्हाट द एक्सपेंडिचर मेथड करेक्ट है सो so, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट मेथड की चलिए लेटर स्टार्ट

एडेड method इसको अपन और एक क्या नाम दिए थे नेट वैल्यू एडेड मेथड तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं। एकदम ध्यान से आप समझना जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है एकदम सिंपल करके समझाता हूं मैं आपको जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है ठीक है ना इंडस्ट्री जैसे अपन कहते हैं देर इज वॉट स्टील इंडस्ट्री ऑटोमोबिल इंडस्ट्री स्टील है ऑटो इंडस्ट्री है बराबर फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि अपना स्टील ऑटो पावर एटसेट्रा ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है मान लो आपने एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज है बफर हो रहा है क्या अब चेक करो चेक नाउ, अभी क्लियर है एकदम यस ओके सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है ऑटो इंडस्ट्री है पावर इंडस्ट्री है तो ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज -अलग है करेक्ट है ना तो अब इसमें अपन क्या करते हैं इन सबके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना हम लोग जब इन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को स्टील ने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिए इसको ऐड किया फिर ऑटो ने कितना दिया वो ऐड किया एसेट्रा बहुत सारे अलग-अलग है तो जब इन सबके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडस्ट्रीज के आप समझिए इन इंडस्ट्रीज के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड जब हम लोग एड करते हैं ना ना इन गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज सर्विसेज को को फाइनल जब हम लोग करते हैं तो आप समझो जब इनके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब हम लोग एड कर देते हैं एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट है, है एकदम अच्छे से जब इनके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपन एड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है अपने को मिलता है ग्रॉस वैल्यू

धन देना सो so, जब हम लोग इन सारी चीजों को ऐड करते जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड अब आप पूछेंगे कि सर जी इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड क्यों कहेंगे सर व्हाई वी विल कॉल इट एज़ द ग्रॉस वैल्यू एडेड अब सिंपल सी बात है अब आप देखो यहां पे स्टील में मतलब लेट से देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स देयर इज डिफरेंट डिफरेंट फर्म ए बी सी डी अलग-अलग फर्म्स हैं बराबर फिर ऑटो में हम लोग कहते हैं देर इज अगेन डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स ई एफ जी फिर पावर में अलग अलग फर्म्स दिखते हैं अपने को एच आई जे के ऐसे बहुत अलग अलग ये क्या है ये सारे अलग अलग फॉर्म्स है जो क्या करते हैं आउटपुट जनरेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं इन सारे फर्म्स का आउटपुट मतलब ही इस इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया इन सारे फर्म्स का आउटपुट आप फोकस करना अभी बहुत भारी चीज बोल रहा हूं मैं यहां पे इन सारे फर्म्स का आउटपुट मतलब स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट इन सारे फर्म्स का आउटपुट मतलब किसका आउटपुट पावर का आउटपुट ऐसे जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बट अब इसके अंदर दिक्कत क्या हो जाती है आप समझने की कोशिश करना हम लोग यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नॉट दी जीडीपी बट हम लोग ने जीडीपी मतलब क्या बोला था इट इज द नेट वैल्यू एडेड ये आप समझने की कोशिश कर रहे जीडीपी हमने क्या बोला था इट इज व्हाट द नेट वैल्यू एडेड एंड नॉट द ग्रॉस वैल्यू एडेड सो इसमें क्या होता है ना आप समझने की कोशिश कीजिए एक फर्म का फाइनल जो प्रोडक्ट है इसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट है लेटर से फॉर एग्जाम्पल इसका जो फाइनल आउटपुट है इसका फाइनल आउटपुट इसका फाइनल आउटपुट क्या हो सकता है बच्चों इसका फाइनल आउटपुट ऑटो के लिए ये एक इनपुट बन सकता है <šk> क्या बोलते सही बात है कि नहीं आपको लगता है ऐसा हो सकता है करके एकदम सिंपल सी बात फाइनल आउटपुट है क्या वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या वो इनपुट बन सकता है कि नहीं और फिर उसके बाद ऑटो जो फाइनल आउटपुट देगा अब यहां से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो फाइनल आउटपुट देगा अब इसके अंदर ऑलरेडी क्या हो जाएगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा बताइए ऑलरेडी क्या हो जाएगा इसके अंदर फाइनल आउटपुट फाइनल आउटपुट में इन स्टील स्टील इज इंक्लूडेड स्टील इज इंक्लूडेड बोलो ये नो स्टील ऑलरेडी क्या हो गया एड हो गया ना स्टील इसके अंदर स्टील ऑलरेडी एड हो गया इसके अंदर बोलो भाई स्टील ऑलरेडी एड हो गया इसके अंदर तो अब यहां पे क्या हो गया अगर हम लोग नेशनल इनकम जीडीपी कंप्यूट करें तो स्टील को काउंट करेंगे यहां पे, और इस फाइनल आउटपुट में फिर से यहां पे स्टील को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा स्टील का दो बार काउंटिंग हो जाएगा ये भी आप इस बात से सहमत हो कि स्टील का दो बार काउंटिंग हो जाएगा यहां पे एक बार अपन इसको स्टील को तो कंसीडर कर ही रहे प्लस ऑटो में में हम लोग ने फाइनल आउटपुट स्टील स्टील का का वैल्यू जोड़ दिया है तो स्टील का दो बार नेशनल इनकम में एड हो जाएगा ना तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इस फाइनल आउटपुट में से जो इंटरमीडिएट जो फाइनल गुड्स है बराबर माइनस क्या करेंगे जो फाइनल आउटपुट फाइनल आउटपुट जो अपन ने ने फाइनल जो अपन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लिए थे ना इंटरमीडिएट गुड्स जो अपन ने फाइनल आउटपुट के तौर पे लिए थे वो हम लोग माइनस करेंगे तो अपने को सीधा क्या मिल जाएगा यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा अपने को तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप समझ गए ना यहाँ पे हर सेक्टर का हम लोग क्या करेंगे एडिंग करते जाएंगे करते जाएंगे और एक इसमें जो ऐड हुआ है तो वो दूसरे में से अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे तो जो हम लोग यहां पे माइनस करेंगे तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स जो अपन ने लिए थे तो वो हम लोग माइनस करते जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे अपने को मिलेगा नेट वैल्यू एडेड एंड दिस नेट वैल्यू एडेड इज नथिंग बट वॉट वी कॉल इट एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो दिस इज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच वी कंप्यूट वॉट द जीडीपी तो यहाँ पे आप समझो हम लोग को क्या करना है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेने का है आप समझने की कोशिश करो सो फाइनल वैल्यू वैल्यू ऑफ वैल्यू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग को कंसिडर करना है आई बिलीव आपको प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा एकदम ही आसान है प्रोडक्ट मेथड बोलो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड एकदम सिंपल है इंटरमीडिएट को माइनस कर देंगे अपन तो अपने को क्या मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड क्लियर है एकदम परफेक्ट चलिए तो फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे द सेकंड मेथड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट इज देना अब अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट देंडिचर मेथड जो हम लोग बातचीत करेंगे तो वो अब डिस्कस करेंगे अबाउट वॉट दी एक्सपेंडिचर मेथड एकदम ध्यान से मन लगा के सुनो एक्सपेंडिचर कहा होता है पॉइंट नंबर वन एक जो एक्सपेंडिचर है वो हम बात करते हैं किसका एक्सपेंडिचर है बच्चा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है किसका एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो आप और हम जैसे जो लोग हैं बराबर उनका जो एक्सपेंडिचर है बराबर वो होता है अपना सो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है एकदम सिंपल है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अभी निकाल रहे हैं सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कहां पे इन द बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेंट्री एक नॉर्मल अपना कंज्यूम कंजन एक्सपेंडिचर हो गया अपना जो अपना डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जो अपन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वो अपना खर्चा अपन ने ऐड कर दिया फिर सेकेंड क्या कहता है इन्वेस्टमेंट इन व्हाट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग बराबर फिर उसके बाद अपन कहते हैं क्या इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग के बाद मशीन एंड इन्वेंट्री बराबर और ये जो बिल्डिंग है आप समझो ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल भी चलेगी अपने को खर्चे में और नॉन रेसिडेंशियल भी चलेगी और नॉन रेसिडेंशियल भी चलेगी मतलब वो उसमें इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा ओके सो यहां वो उसमें इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा ओके सो यहां तक कोई डिफिकल्टी अपने को नहीं एकदम सिंपल है सो ऑल फाइनल फाइनल गुड्स एंड एंड प्रोड्यूस्ड सोल्ड टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर वेरी गुड बेटा सही बात है सो इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग वो बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल हो नॉन रेसिडेंशियल हो सब आएगा मशीन एंड इन्वेंट्री तो यहां तक कोई डिफिकल्टी है अपने को बिल्कुल भी नहीं सो so अपना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो आप और हम जैसे लोग जो खर्चा करते हैं वो आ गया उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट खर्चा करते हैं रेसिडेंशियल लोग खर्चा करते हैं इन बिल्डिंग मशीनरी इन्वेंट्री कॉर्पोरेट नॉर्मल पब्लिक इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरीवेयर यहां पे खर्चा करता है वो अपन ने ऐड कर दिया सारे खर्चे अपने को जोड़ना है अब उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए थर्ड पॉइंट अब इसके अंदर और किसका खर्चा रह गया भाई आपने खर्चा कर लिया मैंने खर्चा कर लिया अब किसका खर्चा बाकी कंज्यूमर का खर्चा हो गया कॉर्पोरेट्स के खर्चे अपन ने जोड़ लिए जो मशीन इन्वेंट्री वगैरह उसमें जो लगाता है कैपिटल उनका ले लिया अपन ने अपना जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का खर्चा है नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का खर्चा है वो भी अपन ने जोड़ लिया अब खर्चा बचता किसका है तो खर्चा जो बचता है वो किसका बचता है गवर्नमेंट का खर्चा बचता है सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसकी बात करेंगे अभी अपन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे सो so, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है ना गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है अरे भाई रेसिडेंशियल क्या होता है रेसिडेंशियल मतलब जो मकान अपन जिसमें रहता है बेटा उसको रेसिडेंशियल बोलते हैं है ना हाँ जी सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब ये बाकी रहता है सो so, हम लोग क्या ऐड करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार का भी तो खर्चा है ना सरकार भी तो अच्छा खासा खर्चा करती है ना यस yes, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया अब यहां पे ये सारे खर्चे अपन ने ऐड कर लिए बट अब आप समझने की कोशिश कीजिए हा एकदम आराम से ध्यान से आप समझने का एकदम मन लगा के फोकस करने का अब यहां पे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में दो बातें जो है एकदम बहुत जरूरी है वो वो क्या है एक क्या कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसके ऊपर का खर्चा एड करने का और इसमें से लेस करने का वो बोलते हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस अब आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए अब आप इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा एकदम मस्त एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट है आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है आपको यस yes? सब कुछ क्लियर है एकदम सो so, अपन यहां पे अब क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अपन यहां पे ऐड कर रहे हैं और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अपन लेस कर रहे हैं अब इसके पीछे का लॉजिक भी अपने को समझना है एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा आप समझने की कोशिश कीजिए अब ये जो है ना आप समझो ये टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है आप ध्यान से सुनना ये अगर मैं बात करता हूं ये टोटल अपना एक्सपेंडिचर है ये टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर है सही बात है एकदम आराम से ध्यान से सुनना अब जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है अपना अब इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो बने हैं बराबर ये गुड्स एंड सर्विसेज अपन ने क्या किए हैं इसको अपन ने एक्सपोर्ट किए हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज अपन ने क्या किए हैं एक्सपोर्ट किए हैं बट ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए भाई यहाँ पे अपन ने इसमें वगैरह तो कुछ अपन ने खर्चा तो किया होगा ना तो अपन इसको इम्पोर्ट किया लेस क्यों करना है बिकॉज जो इम्पोर्ट करी हुई गुड्स एंड सर्विसेज है उसको टोटल एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलो इसके अंदर ऑलरेडी जो चीजें अपन ने इम्पोर्ट करी ना जो चीजें अपन ने इम्पोर्ट करी ना वो ऑलरेडी क्या है वो इंक्लूडेड है ना इसके अंदर वो चीजें जो अपन ने इम्पोर्ट करी है कैन यू सी मी नाउ ओके लेक्चर हो रहा है क्या बराबर देर इज टेक्निकल इश्यू वो जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत स्लो चल रहा है बार बार बफर हो रहा है जो स्ट्रीम है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है आप अगर इधर देखोगे ये वाले पार्ट में इधर नीचे सो so, इधर प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सो बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू अपन ये अभी लेक्चर अपन आज स्टॉप करते हैं कल अपन यहां एक्सपेंडीचर इतना वाला जो पार्ट है ये अपन कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ठीक है ना वो कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन एक्चुअली बहुत स्लो चल रहा है है ना तो अपन लेक्चर को कल कंटिन्यू करते हैं उसमें रिदम भी नहीं है वो एक्चुअली बहुत दो दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है ना तो उसके वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है है ना तो वैसा इशू है